हाय गाइस, कैसे हो आप। आज बनाऊंगा मैं थाई चिकन विंग्स। ये लिया हमने लेमन लीफ, लेमन ग्रास, गलंगल और चिकन विंग्स विद स्किन। इसके बाद थाई हब हम चॉप करेंगे। ये हमारा थाई हब चॉप है। इस पर काटेंगे हम विंग्स। विंग्स को आगे पीछे से काटेंगे और इसके बाद अंदर से दो बोन होती है, बोन के अंदर हम नाइफ को फंसा लेंगे और वहाँ से भी काटेंगे, जिससे हमारे विंग्स के दो पीस हो जाएंगे। और इसी प्रकार एक और काटूंगा, आगे पीछे से काटूंगा और इसके भी हम दो पीस करेंगे। ये आप देख सकते हैं, दो पीस करेंगे। इसी प्रकार हमने पूरा काटा। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून रेड थाई करी पेस्ट, थाई हब्स, ये डाला चिकन ब्रोथ, ये डाला सॉल्ट, हल्का सॉल्ट, चिल्ली ऑयल, लाइट सोया 1 टेबल स्पून, मैगी सीजनिंग 2 ड्रॉप, कुकिंग वाइन 1 टेबल स्पून, हल्का इसमें डाला गार्लिक जूस, और हल्का 1 टेबल स्पून एग। अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करें और ऊपर से वाइट सेसमी सीड, हल्का कॉर्नफ्लावर और कॉल बढ़ाने के बाद मिक्स करें। ज़्यादा कॉर्नफ्लावर न डालें। इसके बाद थोड़ा नूडल्स लेंगे हम और इसमें भी थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर डालेंगे, जिससे हमारा नूडल फ्राई करने के बाद क्रिस्पी रहे। ये हमारा नूडल भी तैयार है। इसके बाद हम नूडल को फ्राई करेंगे। और नूडल भी हमारा तैयार है, क्रिस्पी नूडल। इसके बाद लेंगे हम स्वीट चिली सॉस। ये लिया स्वीट चिल्ली सॉस, ये ब्राउन गार्लिक, ब्राउन गार्लिक को फाइन चॉप करेंगे। फाइन चॉप करें। इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे ब्राउन गार्लिक, चॉप धनिया, इसमें डालेंगे लेमन, लेमन जूस, और ये लेमन जूस भी डाला। इसके बाद बढ़िया से मिक्स करेंगे और ये हो गई हमारी थाई स्वीट चिल्ली सॉस, बनकर तैयार हो गई है। इसके बाद करेंगे हम विंग्स फ्राई। विंग्स को हम डीप फ्राई करेंगे। ये हमारे फ्राई हो रहे हैं। थाई चिकन विंग्स भी हमारा रेडी है। गार्निश में रखेंगे हम ग्रीन लेट्यूस, और ये कैबेज, कैरेट, बीटरूट गार्निश में रखा, और इसके ऊपर से क्रिस्पी नूडल्स, और इसके ऊपर से एक एक फ्राई किया हुआ थाई चिकन विंग्स रखेंगे। आप देख सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और ऊपर से डाला थाई स्वीट चिली सॉस, सॉस डाला
आप देख सकते हैं, और ऊपर से डाला स्प्रिंग ऑनियन स्क्रीन